इस बार आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है? हम बैठेंगे अंदर और पूरी कोशिश करेंगे, हमारा एक एक पार्षद पूरी कोशिश करेगा कि आज मेयर का चुनाव हो। हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि वो मेयर चुनाव कराना नहीं चाहती है। देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चाहते हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही चाहते हैं कि मेयर का चुनाव हो और दिल्ली को उसका मेयर मिले, पर ना जाने सदन के बाहर बयान देने वाले दोनों ही पार्टियों के नेताओं को सदन के अंदर जाते ही क्या हो जाता है कि चुनाव के नतीजे आए 2 महीने हो गए, पिछले 1 महीने में तीसरी बार कोशिश की गई मेयर चुनने की, लेकिन नतीजा नील बटे सन्नाटा रहा। आलम यह हो गया है कि मानो दिल्ली का मेयर ना हो गया हो, कोई नागमढ़ी हो गई जो मिल ही नहीं रही। निगम चुनाव के नतीजों का शीशा साफ होने के बाद भी मेयर की तस्वीर धुंधली है, लेकिन क्यों? क्या दिल्ली का मेयर चुनना इतना मुश्किल हो गया है? क्या ये महाभारत में मछली की आंख पर निशाना लगाने से भी ज़्यादा मुश्किल काम हो गया है? क्या ये रामायण में समुद्र लांघ कर पार करने से भी ज़्यादा मुश्किल काम हो गया है? या फिर जनता के पैसों पर ऐश मारने वाले नेताओं की नीयत ही नहीं है? फैक्ट और तस्वीरों के साथ इसकी पूरी पोल खोलेंगे। 2 बार हंगामा होने के बाद तीसरी बार मेयर चुनाव की पिक्चर की रिलीज की तारीख रखी गई 6 फरवरी, लेकिन क्लाइमैक्स तो छोड़िए, पिक्चर शुरू तक ना हो पाई। मतलब सदन की पिक्चर शुरू होते ही वही हर बार की तरह किसी फ्लॉप मूवी का रटा रटाया डायलॉग मारकर सदन को इसलिए स्थगित कर मेयर चुनाव टाल दिया जाता है क्योंकि पीठासीन अधिकारी एल्डरमैन यानी कि LG द्वारा मनोनीत किए गए पार्षदों को सदन में वोट डालने का अधिकार दे देती हैं, जिन्हें लेकर हाईकोर्ट का ये आदेश है कि मनोनीत पार्षद सदन में वोट नहीं डाल सकते। संविधान में ये साफ साफ लिखा है कि किसी भी सदन में मनोनीत किए गए सदस्य वोट नहीं कर सकते। DMC एक्ट में भी ये लिखा है कि मनोनीत पार्षद सिर्फ जोन कमेटियों में ही वोट डाल सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि संविधान में साफ साफ लिखा होने के बावजूद सदन में नियमों की धज्जियां पीठासीन अधिकारी ने क्यों उड़ाई? लिहाजा आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई और मनोनीत पार्षदों के वोट डालने का विरोध करने लगी। ये वाला बवाल अभी थमा भी नहीं था कि पीठासीन अधिकारी ने एक और फरमान जारी कर दिया कि आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों संजीव झा और अखिलेश पति त्रिपाठी को सदन से बाहर जाने और वोट ना डालने का। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों को हाल ही में कोर्ट ने एक मामले में 3 महीने की सजा सुनाई थी। अब उसकी भी सच्चाई जान लीजिए। जनप्रतिनिधि कानून 151 ये कहता है कि किसी मामले में 2 साल की सजा होने के बाद सदन का सदस्य अयोग्य होता है, जबकि आम आदमी पार्टी के इन दोनों विधायकों को 3 महीने की सजा हुई, उस पर भी कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि किस कानून के तहत पीठासीन अधिकारी ने दोनों विधायकों की वोटिंग के राइट छीने? अगर क्रिमिनल केस होना पैमाना है तो इस देश की संसद, सभी राज्यों की विधानसभा और यहाँ तक कि निगम में ही ताला लग जाए अगर सभी दागी नेताओं पर ये नियम लागू हो जाए। ऐसा नहीं है कि इस फिल्म का एक्शन सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद शुरू हुआ, इसका ट्रेलर तो बकायदा सुबह सुबह ही दोनों पार्टियों की तरफ से जारी कर दिया गया था, जहाँ पहले आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और पीठासीन अधिकारी पर हमला बोलते हुए बीती 2 बैठकों में मेयर ना चुने जाने को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और तीसरी बार भी मेयर चुनाव में बीजेपी के हंगामा करने की भविष्यवाणी कर दी। तो वहीं बीजेपी भी सुबह सुबह पूरी तैयारी में थी। उसने आम आदमी पार्टी पर अपने पार्षदों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया। अब इतना सब होने के बाद भी दोनों तरफ के नेताजी लोग ये कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि चुनाव हो, दिल्ली को उसका मेयर मिले। इस बयान पर आप लोगों का क्या कहना है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम तो सिर्फ इतना ही पूछ सकते हैं कि अगर वाकई नियत चुनाव कराने की थी तो सुबह से ही ये राजनीतिक नौटंकी करने की क्या ज़रूरत थी? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।